बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ा अपडेट आपको बता दें, पूर्व सीएम हुड्डा के काफिले का एक्सीडेंट हुआ है हिसार से। इस वक्त की अहम जानकारी, बाल बाल बचे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। तो इस वक्त अहम अपडेट हिसार से, काफिले के सामने अचानक से नील गाय आ गई थी और हादसे के बाद दूसरी गाड़ी से हुड्डा रवाना किए गए। चीटीपुरा के कार्यक्रम में जा रहे थे हुड्डा। हिसार से इस वक्त का बड़ा अपडेट, बाल बाल बचे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, जिनकी गाड़ी के सामने अचानक से नील गाय आ गई थी उनके काफिले के सामने, और तब ये हादसा हुआ। हादसे के बाद दूसरी गाड़ी से हुड्डा रवाना हुए हैं और फिलहाल हुड्डा सुरक्षित है। पूर्व सीएम हुड्डा के काफिले का एक्सीडेंट हो गया, तस्वीरें भी आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि गाड़ी की क्या कुछ हालत है। वहीं बाल बाल बचे हैं हुड्डा, काफिले के सामने अचानक से नील गाय सामने आ गई थी और उसके बाद ये हादसा हुआ। हादसे के बाद दूसरी गाड़ी से हुड्डा रवाना हुए पूर्व सीएम हुड्डा के काफिले का एक्सीडेंट हुआ। चीटीपुरा के कार्यक्रम में हुड्डा शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे। और हिसार से प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। तो प्रवीण, पूर्व सीएम हुड्डा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, फिलहाल बाल बाल बच चुके हैं, चीटीपुरा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे, अभी की क्या कुछ ताजा स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ ताजा अपडेट? जी, आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा आज हिसार के दौरे पे, तो हिसार में जो परवाला के पास पहला कार्यक्रम बन भोरी गाँव में था, इसके बाद भूपेंद्र हुड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश, रणवीर गोयल से कुछ जो नेता एक ही गाड़ी में जो बैठकर इस तरफ गिराए की तरफ जाने के रवाना हुए थे, यही मतलोटा गांव के पास एकदम अचानक नील गाय गाड़ी के काफिले के सामने आ गई। अचानक एकदम से जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, पर मौके पर जो एक जो उसका अंदर वो बैग खुल गया, इसके कारण भूपेंद्र हुड्डा बाल बाल बच गए। बाद में उन्हें दूसरे गाड़ी में शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।